पहले मैं लाइव आई थी और अब मैं दोबारा से स्ट्रीम यार्ड के थ्रू लाइव आई हूँ, क्योंकि मेरे जो गेस्ट हैं वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। आज के मेरे गेस्ट हैं उमर जे कुरैशी, जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंट और को फाउंडर ऑफ फोलक्लोर मैगजीन एज वेल एज डायरेक्टर ऑफ फूडीज फैमिली हैं। तो इतना सब कुछ ये कैसे मैनेज करते हैं और इसकी क्या जर्नी है, तो डायरेक्टली उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर उमर। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात सारा के बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। आपकी माइक की जो आवाज़ ना कभी कभार बीच में से गायब हो रही है, फ्लोट कर रही है ऐसे ऐसे। ठीक ओके है, तो आप उसको थोड़ा सा करीब जी कर रहे हैं अपने मुंह के। ठीक है, ओके अच्छा जी अभी ठीक है। जी आप बेहतर है, लाउड भी है और बेहतर भी है। ओके जी मैं चाहूंगी सर उमर आप अपना इंट्रोडक्शन अपने अंदाज में बताएं, खुद को डिस्क्राइब करें, क्योंकि जो लोग आपको नहीं जानते। राइट। वैसे तो आपने काफी कुछ मेरे बारे में यहाँ लिख दिया और मेरे बारे में बता भी दिया, तो यही सब कुछ मैं कर रहा हूँ। कर कैसे रहा हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ कि ये सारी चीजें मैंने एक साथ नहीं शुरू की। मैंने पहले एक चीज को शुरू किया, स्टेबल किया, और फिर अगली चीज पे गया, फिर उसको स्टेबल किया, और पिछली चीज को भी स्टेबल रखा, और फिर तीसरी चीज पे गया। ये मैंने काम किया है बेसिकली। और इसमें भी मैंने ऐसे ऐसे नहीं किया कि मैं तीनों चीजों को खुद से मैनेज कर रहा हूँ। मैं मेरे पास जैसे कि सोशल मीडिया जो है वो मेरी कोर का स्पेशलिटी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंट मैं खुद से कहलाता हूँ। ये मेरी तरह के जो लोग होते हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंट कहलाते हैं या स्ट्रेटेजिस्ट कहलाते हैं। तो सोशल मीडिया पे रहते हुए आज से तकरीबन 10 साल पहले मैं सोशल मीडिया को मैंने अडॉप्ट किया था एज अ बिजनेस, कोशिश की थी। तो मैं सोशल मीडिया पे जाके अपनी पहले मैंने मेरा क्लोथिंग का बिजनेस है, मेरी वाइफ के साथ है कर रहा हूँ मैं, और उसको मैंने स्टेबल किया फातिमा के नाम से। वो फेसबुक पेज है उसका, वो मैंने जबरदस्त शुरू किया, उसको मैंने स्टेबल किया। फिर मैंने अपने आप को एज अ सोशल मीडिया कंसल्टेंट बनाया, मैंने क्लाइंट्स के काम पे करने शुरू किए। ठीक है, वो मैंने करना शुरू किया, वो स्टेबल हुआ। फिर एक काम मैं कर रहा हूँ, वो मेरे पास एक टीम है कंटेंट राइटर्स की जो कंटेंट और क्रिएटिव राइटिंग का काम करती है। ठीक है, जिसमें हर तरह की कंटेंट से रिलेटेड काम वो करते हैं, उर्दू इंग्लिश दोनों पे हम काम करते हैं। और एक अच्छी मार्केट है उर्दू ट्रांसलेशन करवाने वालों के लिए भी। ठीक है, तो वो हम लोग काम कर रहे हैं, और डिफरेंट आर्टिकल्स लिखते हैं, प्रोफाइल्स बना ली कंपनीज की, लोगों की प्रोफाइल्स बना ली, सर्विसेज की प्रोफाइल बना ली, इस तरह के काम कर रहे हैं। वो उस काम को तकरीबन 7 साल हो गए मेरे चलते हुए, और मेरे पास राइटर्स हैं, फ्रीलांस राइटर्स, वो मेरे लिए काम करते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा फिर फूडीज फैमिली का यहाँ पे आपने जिक्र किया है, तो फूडीज फैमिली एक फॉरम मैंने बनाया फेसबुक के ऊपर एक पार्टनर के साथ मिलकर, और उसका मकसद ये था कि जो मेरी सोशल मीडिया स्किल्स हैं वो मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए यूज करूँ। ठीक है, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में मुझे गैप नजर आया और मैं उसके लिए यूज करना मैंने शुरू कर दिया। और वो देखते 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 जो है वो अच्छा उसने मार्केट कैप्चर कर ली, और उसके दौरान जो है फिर मैं कुछ अरसे के बाद जो गालिबन लास्ट ईयर में था 2019 में, मैंने फोकलोर मैगजीन अपने पार्टनर जो मेरा पार्टनर है फूडी फैमिली के अंदर, उसी के साथ मिलके फोकलोर मैगजीन स्टार्ट किया। अब फोकलोर मैगजीन का मतलब जो है फोकलोर का वो ये है कि अवामी बातें, ठीक है, अवामी बातें या आवाम की बातें, इस तरह से आप कर सकते हैं उसको। अब अवामी बातें तो हर तरह की बातें होती हैं, ठीक है, टॉक ऑफ द टाउन होती है, और उसको जब हम टॉक ऑफ द टाउन में को जहन में रखते हुए हमने सोचा कि हम थोड़ा सा डिफरेंट क्या करें। ठीक है, तो हमने डिफरेंट कहा कि न्यूज़पेपर हर तरह की न्यूज़ छापता है, कंट्रोवर्शियल भी होता है और बुरी खबरें भी आती हैं, ज्यादातर बुरी आती हैं और कंट्रोवर्शियल आती हैं, अच्छी न्यूज बहुत कम आती है। ठीक है, तो हमने कहा कि हम सिर्फ अच्छी न्यूज अपने मैगजीन में पब्लिश करेंगे और ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे,
क्योंकि हमारा हमें एक फाइनेंशियल मॉडल भी चाहिए था। तो फाइनेंशियल मॉडल हमारा ये था कि हम ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे और उसके साथ पाकिस्तान में जितनी भी चीज़ें अच्छी हैं, चाहे वो जिस मर्जी निश की हैं, जिस मर्जी इंडस्ट्री की हैं, बट अच्छी जो चीज़ें हैं सिर्फ वही पब्लिश करेंगे। तो वो हमने शुरू किया और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 1.5 मंथ हमने बड़ी अच्छी मार्केट कैप्चर कर ली लाहौर के अंदर। ब्रांड्स हमने 5 बड़े जो स्पॉन्सर्ड इवेंट्स थे, ठीक है, उसमें हमने डेढ़ डेढ़ स्टार्ट के 1.5 महीने के अंदर हमने तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो है वो ऑन बोर्ड किए अपने अपने पास, जो इस वक्त तकरीबन 500 हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जो एक तो इन्फ्लुएंसर होते हैं जो हर हर किसी जिसकी बात सुनी जाए मानी जाए, ठीक है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे अपनी ऑडियंस की बलबूते पे लोगों पे अपनी बात फैलाते हैं, ठीक है। और ये लोग ज्यादातर ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है। ये किसी भी ब्रांड किसको पिच करते हैं या किस कोई भी एजेंसी इनको इनके नाम के ऊपर, इनके अकाउंट के ऊपर ब्रांड्स को पिच करती है, और पिच करके जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, फाइनेंशियली डील करती है कि एजेंसी जो है वो इनके जरिए प्रमोशन करेगी उस एजेंसी की, उस ब्रांड की, और वो काम पैसे देंगे इनको, ठीक है। तो ये काम हमने किया और इस वक्त जो है वो तकरीबन 500 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, जो ये नंबर बहुत तेजी से फैल रहा है अभी भी। और अच्छा, इस सारे जो काम है इसमें हमने एक चीज नहीं भूली, वो है चैरिटी का काम, ठीक है। हमने मैंने और मेरे पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम जो भी काम करेंगे, ठीक है, उसका जो भी रेवेन्यू होगा उसमें से एक फिक्स परसेंटेज जो है हम चैरिटी के काम में लगाएंगे, ठीक है। तो हम अब फूडीज फैमिली पे भी हम ये काम करते थे और अभी जो है ये फोकर मैगजीन पे भी यही काम करते हैं, और इसके साथ हम काम करते हैं। और तो ये मेरे डिफरेंट तरह के जो नेचर ऑफ वर्क्स हैं जो मैं कर रहा हूँ, और ये सारे काम, मजे की बात है कि ये सारे काम मैं ऑनलाइन घर से बैठ के करता हूँ। काफी मोटिवेशन मिली आपकी ये सारी जर्नी जान के। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ लोग कहते हैं कि एक ही काम पे फोकस रखो अगर आपको उसमें एक्सपर्ट बनना है, ठीक है, जो जो कि मुझे समझ आता है। लेकिन उसी के बरक्स कुछ लोगों के ये एक्सपीरियंस भी होता है कि हमें एक काम करते रहने से एक बोरियत सी हो जाती है, तो मल्टीपल काम या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग जो है हमें लाजमी करनी चाहिए, जो कि आपको बुरे वक्तों में साथ देती है। जैसे कि अभी जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग कर रहे थे तो उनके लिए बेनिफिशियल है इस करंट सिचुएशन में, अदरवाइज जो जॉब के ऊपर ही डिपेंडेंट थे या जो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो जो एक ही चीज पे थे वो उसको एज सच बेनिफिट नहीं दे रहा है। तो आप इतने एक्सपीरियंस के बाद जो आप खुद एक मल्टीपल काम कर चुके हैं, तो क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से हमें अपनी फ्यूचर लाइफ को प्लान करना चाहिए? एक बहुत मशहूर ट्रेनर है वॉरेन बूफे, वो भी कहता है कि जी के आपको अपने सारे अंडे जो हैं वो एक बास्केट में नहीं डालने चाहिए, नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, ठीक है। तो उसी को आप आइडियल आइडिया बनाएं, ठीक है। अब अपनी स्किल को देखते हुए आप अपने काम को थोड़ा थोड़ा करके मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आइडियली तो ये होना चाहिए, ठीक है, आपको किसी नई स्किल की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर जा सकते हैं आप और आप इतना समझते हैं कि आप अपनी एज के उस हिस्से में हैं कि आप नई स्किल पे को जाके बड़ी जल्दी अडॉप्ट करके सीख के अच्छा अर्न कर सकते हैं, तो फिर आपको जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझते आप कि अपनी उस एज के हिस्से में, मैं मुझे नहीं पता कि ऑडियंस जो सुन रही है वो किस एज ब्रैकेट की होगी, ठीक है, तो मैं इसलिए डिफरेंट एज ब्रैकेट्स पे रख के एग्जाम्पल्स को मैं कोट करूंगा, ठीक है। तो अगर आप यंगस्टर हैं, आपके पास टाइम है, तो आप डिफरेंट स्किल्स सीखें, लेकिन स्टार्ट करें हमेशा एक स्किल से, ठीक है। एक स्किल पे
लगाएं टाइम, मेहनत करें और टाइम लगाएं, खाली टाइम नहीं लगाना होता। बाद लोग ऐसे करते हैं कि सिर्फ टाइम लगाते हैं, मेहनत नहीं करते, तो उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, फिर कहते हैं कि इस चीज़ से तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मेहनत भी करें और टाइम भी लगाएं एक स्किल के ऊपर, ताकि जब वो स्टेबल हो जाए तो उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करें। ठीक है, अब आपको, आप जो भी काम करें आपको ये जरूर आना चाहिए कि आपने ऑटोमेट कैसे करना है उस काम को। ठीक है, अब जैसे कि जैसे कि आप, कौन, जैसे कि मैं जैसे कि सोशल आप मीडिया का खुद एक काम करता हूँ, एग्जांपल राइट, है। मैं अपनी एग्जांपल कोट करता हूँ। जैसे कि मैं सोशल मीडिया का काम मैंने स्टार्ट किया, काम मैंने स्टार्ट कैसे किया सोशल मीडिया के, कि मैंने अपनी वाइफ के बिजनेस को ऑनलाइन स्टेबल करने की कोशिश की। ठीक है, और उसमें मैंने सीखा, ठीक है, कि सोशल अच्छा मीडिया को मैंने एज कमर्शली कैसे यूज करना है, एड्स कैसे लगानी है, कैंपेन्स कैसे सेट करनी है, ये मैंने सीखा। ठीक है, और जब मुझे अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो गया तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया। ठीक है, कि और उसके बाद जब वो स्टेबल हो गया, 2 साल 2.5 साल लगे स्टेबल हुआ, तो फिर मैंने एक और काम में पंगा लिया। वो क्या था कि मैंने अपनी सोशल मीडिया सर्विसेज सेल करनी शुरू कर दी। ठीक है, पहला काम मैंने सीख के ग्रो किया अपने आप को, अपने बिजनेस, अपनी फैमिली बिजनेस को, ठीक है, सोशल मीडिया के जरिए। दूसरा काम मैंने उसी सोशल मीडिया सर्विसेज को क्लाइंट को सेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर उसको थोड़ा सा स्टेबल किया, साल डेढ़ दो से साल 1.5 साल और लगा उसको स्टेबल किया, कुछ क्लाइंट्स मिल गए मुझे। तो फिर क्या हुआ, मैंने ऑनलाइन मार्केट में कंटेंट राइटिंग का काम जो था वो लेना शुरू कर दिया लोगों से, अपनी सर्विसेज को मार्केट करके। और वो कहाँ किया, वो भी सोशल मीडिया पे किया। ठीक है, उसी तरह से फिर वो चल रहा है काम साथ साथ अभी। तो फिर मैंने एक निश डिसाइड की कि फूड और रेस्टोरेंट की जो निश है उसमें बहुत रूम है सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज का। ठीक है, तो फिर मैंने उसका एक फॉरम बनाया, ऑडियंस इकट्ठी की, ठीक है, जो जेन्युइन रिव्यूज भी दे सकें, जो क्लाइंट्स एक्चुअली रेस्टोरेंट पे जाके खा भी सकें और बिल पे कर सकें। ठीक है, तो वो ऑडियंस जब मैंने बनाई और तो और साथ सोशल मीडिया की सर्विस दी, तो मेरे पास एक एडेड बेनिफिट था अदर सोशल मीडिया कंपनीज में, कि मेरे पास एक ऑडियंस भी थी जिनको मैं खास तौर पर पिच कर सकता हूँ। ठीक है, तो वहां पे भी मेरा काम चला। उसके बाद जब मैंने अपना आखिरी स्टेप लिया फोक्योर मैगजीन वाला 2019 में, तो क्या हुआ कि मैंने कहा अब सोशल मीडिया की कंपनीज भी बहुत हैं, मैगजीन्स भी बहुत हैं, तो मैं क्या करूं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने अपने साथ इन्फ्लुएंसर्स को, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को इकट्ठा किया। मैंने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का एक नेटवर्क बनाया, जो उस वक्त स्टार्ट में मुझे थोड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि लाहौर जैसे शहर में काफी कंपेटिटर्स हैं इसी एक इंडस्ट्री, एक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो लेकिन अल्लाह ने मुझे मेरी सुनी उस वक्त, के मुझे एक इंटरनेशनल ब्लॉगर उस वक्त पाकिस्तान आई हुई थी, तो उनका जो लाहौर का सारा प्लान था, दो इवेंट उन्होंने, जो जो टीम उनको लेकर आई थी उन्होंने मुझे दे दिया कि आप मैनेज करो उसको। ठीक है, और उस इंटरनेशनल ट्रेवलर का नाम था ट्रेवल लाइट के नाम से यूट्यूब चैनल है उनका। ठीक है, तो वो किया। उसके बाद गोरिया जींस जैसा बड़ा कॉफी शॉप जो है उसने मुझे स्पॉन्सर किया उस ट्रेवल लाइट को होस्ट करने के लिए। एक चाय की कंपनी है जो टी बैग्स, फ्लेवर टी बैग्स बनाती है, लाहौर में है ये मेजरली, उन्होंने स्पॉन्सर किया उसको होस्ट करने के लिए। एक और रेस्टोरेंट ने स्पॉन्सर किया उसको। अच्छा, और उन्होंने क्यों स्पॉन्सर किया, क्योंकि मेरे पास ब्लॉगर्स का डाटा था, मेरे पास ब्लॉगर्स थे पीछे जिनको मैं वहां लेके जा सकूं। ठीक है, तो ये चीज मेरे काम आई। इस वक्त अगर बात करें तो मैंने अपनी मेन जो इंडस्ट्री रखी वो सोशल मीडिया रखी, बट डिफरेंट कामों में मैंने साथ पंगे लिए हैं। ठीक है, और मैंने ये नहीं किया कि सब में इकट्ठे पुश किया अपने आप को, मैंने एक को शुरू किया,
उसको स्टेबल किया, फिर दूसरे में गया, फिर उसको स्टेबल किया और पहले को भी सही रखा, फिर तीसरे में गया, फिर पहले दोनों को सही रखा। तो इस तरह से आप टेक्निक के साथ आप चलते हो, ठीक है। अगर आपको लगे, मेरा ख्याल एक एक साल की जो ड्यूरेशन है वो काफी होती है एक चीज को ट्राई करने के। अगर आप फेल हो रहे तो आप या तो अपना उस्ताद बदल लो, ठीक है, कोई ज्यादा एक्सपर्ट बंदा ले लो सीखने के लिए, या अपनी फील्ड बदल लो। बिल्कुल सही। अच्छा, काफी अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है कि एक चीज में आपने एक साथ सारा काम नहीं किया, और ऑब्वियसली ये सुन के मुझे अंदाजा हो रहा है कि काफी मुश्किलात आई हैं। जब इंसान कुछ अचीव कर जाता है, किसी लेवल पे आता है, तो लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन उससे पीछे जो उसने स्ट्रगल की होती है वो उसे अकेले ही करनी होती है। और कई ऐसे बिल्कुल मराहिल भी आते हैं कि आपको डीमोटिवेशन होती है, आप ये सोचते हो कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वही लोग आई थिंक कामयाबी पे जाते हैं जो कि गिव अप नहीं करते, जैसे कि आप भी होंगे, आपको काफी मुश्किलात आई हैं, आई होंगी। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि किस किस लेवल पे, जैसे आप कह रहे हैं आपने एक काम पहले सीखा किया, फिर उसे इस तरीके से जो है आपने सेल करना भी अपने कोर्सेज शुरू किए, लेकिन उसके बीच में जो मुश्किलात आई, थोड़ा सा अगर आप वो डिस्कस करना चाहें तो कि कब ऐसा लगा आप गिव अप कर दें, मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा, और फिर आपने क्या सोच के गिव अप नहीं किया? जब इंसान कुछ सोचता है कि मैंने कुछ करना है, ठीक है, तो वो अब बहुत ज्यादा थॉट्स रख के फिर भी तभी कोई एक्शन लेता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं मान सकता कि आप जो है वो कुछ एकदम से आपके कुछ जहन में आप फौरन से शुरू कर दो, ठीक है। आप एक पूरा थॉट प्रोसेस रन करते हो, प्लानिंग करते हो और फिर आप उसको शुरू करते हो, ठीक है। और उस प्रोसेस में बाज़त आपको साल लग जाते हैं, ठीक है। कभी कभार कम टाइम में आपको समझ आ जाती है कि कैसे करना है, कभी कभार आपको बहुत टाइम लग जाता है कि आपने आपको एग्जीक्यूशन का रास्ता नहीं मिल रहा होता, ठीक है। जब आपको एग्जीक्यूशन का रास्ता मिल जाए, ठीक है, कि आपने स्टार्ट कैसे लेना है, ठीक है, उसके बाद फिर अगर आपके कभी जहन में ऐसा ख्याल आए भी कि नहीं हो रहा, तो आप यही सोचोगे कि क्या मैंने इसके लिए पीछे इतनी मेहनत की थी, ठीक है। यही सोच के मैं फिर आगे चल पड़ता हूँ, ठीक है। अच्छा, और आपका जो दूसरी मेथड चीज, ये है, हाँ जी जी दूसरी चीज के देखें, अगर आप कोई खाली यंग एज में अगर हो ना आप, और आप से कुछ नहीं हो रहा, तो आप सोच सकते हो कि मैं छोड़ दूं, मैं जॉब कर लूं कहीं, ठीक है। आई एम 42 राइट नाउ, ठीक है। तो और शादीशुदा हूँ मैं, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है एक, ठीक है। तो वो जो है मुझे हारने नहीं देती है। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, आपका जो मैगजीन है उसके हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों को तो जो मैगजीन्स या आपको पता है जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म की फील्ड में जब आते हैं तो मिर्च मसाला कह लें, गॉसिप चाहिए होती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि हम गॉसिप करेंगे, कुछ ऐसी खबरों को थोड़ा सा घुमा फिरा के बताएंगे तो ज्यादा रैंकिंग होगी, ज्यादा चलेगा, लोगों को एक गॉसिप मिलेगी। लेकिन आपका जो मैगजीन है वो फुल ऑफ पॉजिटिविटी, उसमें कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है, तो ये थॉट बहुत अच्छी है ऑब्वियसली। तो लेकिन आपने क्यों इस चीज को मद्देनजर रखा बजाय इसके कि आप भी गॉसिप डालें? गॉसिप मेरे मैगजीन में ना, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मेरा मैगजीन कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है, और फिर आप शायद ये सवाल ना करें मुझसे, ठीक है। मेरा जो मैगजीन है फोकलोर मैगजीन, आप उसको उसके इंस्टाग्राम पे जाके देखें, क्योंकि हमारा जो एक्टिव मीडियम है मैगजीन का सिर्फ वो अभी इंस्टाग्राम है, ठीक है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आप जाके देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि हमारा मैगजीन जो है वो हर निश को कवर कर रहा है जहाँ पे पॉजिटिव न्यूज है। उसमें रेस्टोरेंट लॉन्च हैं, उसमें ब्रांड लॉन्च हैं, उसमें कपड़ों के की लॉन्च हैं, प्लस हमारे पास जो 500 लोग हैं तकरीबन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, उसमें से तकरीबन 60 to 70% खवातीन हैं, लेडीज हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है।
तो जब वो लेडीज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स अपनी पोस्ट लगाती हैं मैगजीन के ऊपर या किसी भी लॉन्च इवेंट अटेंड करती हैं, तो ग्लैमर का एक थोड़ा सा एलिमेंट आ जाता है वहां पे, ठीक है। लोग जो ऑडियंस देखेगी उसको वो बोर नहीं होगी, ठीक है। मैं ये बात नहीं कह रहा कि वो फहाशी की तरफ जा रही होंगी, ठीक है, लेकिन जब एक औरत का ग्लैमरस एलिमेंट होता आएगा तो एक है। हर तरह की ऑडियंस की एक इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा देखने के लिए मैगजीन को, ठीक है। और उन्हीं की पोस्ट से हम पॉजिटिव इमेज प्रमोट करवा रहे हैं उनको, ठीक है। अब कोई चीज ऐसी आती है हमारे पास न्यूज जो पॉजिटिव होती है लेकिन वो हमारी इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड नहीं होती, तो हम वो भी लगाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ अपने 500 लोगों को थोड़ी प्रमोट करना है, ठीक है, हमने तो और भी लोगों को प्रमोट करना है, हमने तो एक मैगजीन वाला ट्रू रोल पे लेके जाना है, ठीक है। तो एक मिक्सचर सा चलता है कि कभी अपनी न्यूज लगा दी, कभी किसी और की न्यूज लगा दी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम क्या करते हैं कि हम सिंगर्स को प्रमोट करते हैं। अभी रिसेंटली लॉकडाउन में हमें एक इस्लामाबाद बेस्ड सिंगर ने अप्रोच किया कि जी मैं अपना गाना मैंने लॉन्च किया था अभी और साथ ही लॉकडाउन हो गया तो मुझे प्रमोशन करवानी है, तो जो है मैंने मेरी मेरी जो टीम है उसने उनको जो है वो रेट भेज दिया कि जी हम प्रमोशन के ये रेट चार्ज करते हैं, तो आपने किस पैकेज पे हमारे साथ काम करना है। थोड़ा सा बार्गेन किया मैंने, उसको ओके कर दिया, तो उसने अपनी एक अपना एक गाने की पोस्ट लगवा दी हमसे जिसका नया गाना लॉन्च हुआ था। इसी तरह से डिफरेंट ब्रांड्स के साथ हम काम करते हैं, सैलून्स के साथ काम करते हैं, पार्लर्स के साथ हम काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स, क्योंकि मेरी अगर आप बात करें तो मेरा जो मेजर क्लाइंटेज है वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का ही है, ठीक है। तो और ऊपर से लॉकडाउन में वो लोग भी हैं जो सिंगल्स हैं और अकेले रहते हैं शहरों में, तो उनको अब जो रेस्टोरेंट डिलीवरी वगैरह करा रहे थे उनके साथ कनेक्ट किया कि जी आप वहां से कर सकें खाने का बंदोबस्त अपना, ठीक है। तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा रिलैक्स अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने, लॉकडाउन को 9 तारीख से शुरू होगा थोड़ा सा रिलैक्स, तो लेट्स सी, अल्लाह का शुक्र होगा कि बेहतर होगा काम और हालात भी बेहतर है तो बेहतर है। तो ये वजह है जो आपके क्वेश्चन का आंसर है मेरा कि हमने क्यों सोचा इसको कि हम सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ पे जाएंगे। हम हर पाकिस्तानी आर्टिस्ट, हर पाकिस्तानी ओरिजिन के बंदे की न्यूज़ को अपने मैगजीन में छापते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज होती है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव होती है और वो। ये यही और ये सबसे अच्छी बात है आपकी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मैगजीन शायद हो कि जो फुल बेस करता हो पॉजिटिविटी पे ही, यानी कोई नेगेटिव न्यूज ना हो, जो आपकी सबसे अच्छी बात है। अच्छा, ये जो नेम है, ये इसका कोई बैकग्राउंड, कोई मकसद है जो फोल्कलोर मैगजीन जो आपने रखा है, या क्या सोच रहे हैं? फोकलोर का मतलब है आवामी बातें, तो अच्छा अब एटोन मैं आवामी आपको बातें ही कैसे हम कर रहे हैं। और जो मैगजीन का जो फोकलोर का जो लोगो है वो है ग्रीन और व्हाइट, अच्छा पॉजिटिविटी ठीक है। के वाइब्स। तो पॉजिटिव उसकी जो टैगलाइन है वो एस्केलेटिंग पॉजिटिविटी है। अच्छा एक क्वेश्चन है कि जो सोशल मीडिया, हमारा टॉपिक भी था बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया, जो कि आपने काफी अच्छे से अपनी एग्जांपल्स देके हमें बताया है कि हम किस तरीके से पॉजिटिव यूज करके सोशल मीडिया का किस तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब जो मार्केटिंग की बात आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंट आप हैं और मार्केटिंग की, तो इसकी क्या आप प्रॉपर ट्रेनिंग भी देते हैं? अगर किसी को कुछ टिप्स या ट्रिक्स सीखनी हो अपने किसी काम को प्रमोट करने के लिए, तो कोई ऐसी चीज है, अकेडमी कुछ ऐसा जहाँ पे? वेल मैं एक ट्रेनर नहीं हूँ, ठीक है, और काफी लोगों को शिकायत भी है मुझसे कि मैं ट्रेनिंग क्यों नहीं देता। लेकिन अगर कोई मुझसे 1-to-1 कोचिंग लेना चाहे, मतलब थोड़ा बहुत उसका आता हो और फिर वो मुझसे एक्सपर्टीज सीखना चाहता हो तो मैं उसको सिखा देता हूँ, ठीक है। लेकिन वो फिक्स टाइमिंग के हिसाब से ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक है। लेकिन मैं एक और चीज जरूर रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि मेरे से सीखने से बेहतर है कि आप हशाम सरवर, एक फ्रीलांसिंग ऑनलाइन गुरु है,
तो आप उनसे जाके उनके YouTube के वीडियोस जाके देखें, और उसमें बहुत ही ज्यादा आसान और इजी टू अंडरस्टैंड जो लैंग्वेज है उसमें समझाया समझाएगी इन चीजों को, ठीक है? आप उसको सीखें या डिजी स्किल्स के जाके कोर्स ले रहे हैं, एक तो वो दोनों जो वीडियोस, हशाम सर्वे की वीडियोस भी और डिजी स्किल्स के भी कोर्स हैं, वो दोनों फ्री हैं, ठीक है? और उसमें आपका टाइम से बाउंड हो रहा होगा, क्योंकि आपने सीखना है और वो होना भी चाहिए, ठीक है? जिसने सिखाना है उसका टाइम बाउंड नहीं हो रहा होगा, ठीक है? तो मेरे ख्याल से अगर किसी ने भी सीखना है तो ये मेरा ओपन एंड पब्लिक शाउट आउट है हिशाम सर्वर को, के लिए, कि हिशाम सर्वर की वीडियोस को जाके जो है यूट्यूब पे जाके देखें, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है उन्होंने अपनी वीडियोस में, और बहुत ही आसानी से समझने आने वाली लैंग्वेज उन्होंने यूज की है। यहाँ एक कमेंट आया है, आदिल जावेद कहते हैं उमर जी कुरैशी इटसेल्फ बेस्ट इंस्टीट्यूशन, देखते जी हैं आप बिल्कुल, लोग ये क्या कहते आदिल हैं। हमारे दोस्त हैं ये, और लाहौर के हैं, आदिल लाहौरी कहते हैं इनको। अच्छा, तो शुक्रिया आदिल। वाकई इंस्टीट्यूशन है माशाल्लाह, क्योंकि काफी कुछ मैंने भी सीखा आपसे ऑब्वियसली, और इनशाला मैं आपके कांटेक्ट में रहूंगी ऑब्वियसली, कुछ मुझे अगर कभी जरूरत पड़ी अपने काम से रिलेटेड किसी हेल्प की तो मैं इनशाला आपसे जरूर मशवरा करूंगी। एक्चुअली मेरी जो फील्ड है वो एजुकेशनल है, तो अभी लॉकडाउन की वजह से आई थॉट कि मैं अपने कोर्सेज को ऑनलाइन जो है किस तरीके से जो है क्लासेस दूँ, तो डिफरेंट मीडियम्स हैं, मैंने सोचा कि मैं एक कोर्स डालूँ, लेकिन आई डोंट नो द प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ द मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, तो मुझे लगता है मुझे इसकी जरूरत है कि मैं इसे प्रॉपरली सीखूँ, क्योंकि एक तो होता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये स्किल ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उसे मार्केट आपकी करना आवाज है थोड़ी तो क्या हल्की हो होता गई है, माइक को करीब करें प्लीज। है। अगर हम किसी भी स्किल्स में परफेक्ट हों लेकिन अगर हमें मार्केटिंग नहीं आती और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, तो फिर वो 50-50 होता है, आप एज सच बेनिफिट हासिल नहीं करते। तो इसके लिए आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे पर्सनली, जैसे मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं लॉकडाउन या इस चीज़ का जो सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो मुझे भी चाहिए कि मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस करूँ, लेकिन मार्केटिंग की कुछ स्ट्रेटजीज है जिसमें मैं वीक हूँ और मैं प्रॉपरली वो नहीं कर पा रही, तो यहाँ कुछ सजेशन देंगे आप मेरे लिए। सारा, मैं मुझे सॉरी, आपकी आखिरी वाली बात मुझे समझ नहीं आई, आवाज़ गायब हो गई थी, बट शुरू वाली बात, क्योंकि ये एक दफ़ा हमारी पहली बात हुई हुई है इसके ऊपर, आपने मुझसे वॉइस नोट पे मैसेज पे भेजा था कि मैं सीखूंगी आपसे, मशवरा लूंगी इस जी पे, तो बिल्कुल, मैं आपको जो मुझे वो वाली बात याद है पुरानी वाली, उसमें मैं आपको बता दूं कि मैं आपने ना अपने स्किल्स जो है ना वो नोट डाउन करनी है। एक तो आप टीचिंग कर सकती हैं, ठीक है? दूसरा, आप किस सब्जेक्ट की टीचिंग कर सकती हैं वो आप लिखेंगी, ठीक है? प्लस टीचिंग के अलावा आप क्या कर सकती हैं, ठीक है? टीचिंग के अलावा लाइक आप राइटिंग कर सकती हैं, ठीक राइटिंग कर सकते हैं। है? यस एंड आई एम राइट, डूइंग दैट। अब आपने करना क्या है, आपने कुछ सैंपल्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, राइटिंग के सैंपल्स 300 वर्ड्स के, 400 वर्ड्स के, 500 वर्ड्स के कुछ सैंपल्स बना के आप रख रहे हैं अपने पास, ठीक है? और डिफरेंट फ्रीलांसिंग के जो ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर, वहां पे आप थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा आपको बस, ठीक है? वहां पे लोगों को बिड करें कि आप राइटिंग करती हैं, इंग्लिश की राइटिंग करती हैं, ठीक है? और नॉर्मली जो है वो वहां पे 1 रुपया रेट पर वर्ड भी रेट होता है, 2 रुपया पर वर्ड भी रेट होता है, ज्यादा भी होता है इससे, ठीक है? तो ये आपको पिच करना पड़ेगा, काफी दफा पिच करेंगी, ग्रुप्स में एक्टिव होंगी, आपका नाम हर जगह नजर आना शुरू होगा, हर पोस्ट के ऊपर तकरीबन जो रेलेवेंट पोस्ट होगी राइटिंग से रिलेटेड, ठीक है? तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आपको काम मिलेगा, ठीक है? एकदम से कुछ भी नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है? मैंने जब शुरू किया था आज से 8 साल पहले, 7 साल पहले ये काम, ठीक है? तो उस वक्त मुझे भी टाइम लगता था, ठीक है? लेकिन उस वक्त कंपटीशन भी इतना ज्यादा नहीं था जितना अब हो गया है, ठीक है? आप अभी देख रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग कितने लोग सिखा रहे हैं, ठीक है? एक डिजी स्किल्स प्लेटफॉर्म है पूरा, फिर ई रोजगार का प्लेटफॉर्म है पूरा, ये दो प्लेटफॉर्म हो गए, इसके अलावा हिशाम सर्वर सिखा रहे हैं, तीन प्लेटफॉर्म हो गए,
ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं। तो जब बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं तो कॉम्पिटिशन, लोग ज्यादा तैयार हो रहे हैं और ऊपर से कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, आज से 5 साल पहले अगर मैं कोई चीज कोई काम 10 रुपए के रेट पे करता था, ठीक है, उसका रेट अब मुझे 3 या 4 रुपए कोट करना पड़ता है क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। थैंक यू सो मच इतना मोटिवेट करने के लिए और अच्छे आइडियाज शेयर करने के लिए, और मैं डेफिनेटली इसको इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा और भी डिफरेंट था कि जो मैं टीचिंग स्किल्स अपनी प्रोवाइड करना चाह रही हूँ बेसिकली वो ऑनलाइन मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखनी है, तो अगर आप उसमें हेल्प आउट कर सके तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं आपसे लेकिन कॉन्टेक्ट सारा करूंगी। सारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी जो ना सिर्फ एक काम करती है कि आप कितना एक्टिवली लोगों को रिस्पॉन्ड करती हैं। ठीक है, आइडिया आ लेट्स, गई है जब भी आपने कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है आपने? जी की है आप फेसबुक पे अगर फेसबुक से अगर आप कर रही हैं, ठीक है, लेट्स से एक ब्रांड है, उस एक एक कपड़ा है, ठीक है, वो 10 तरह के ब्रांड्स बना रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि 10 तरह के ब्रांड बना रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक को मैसेज किया, उसने टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने दूसरे को मैसेज कर दिया, दूसरे ने टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने तीसरे को मैसेज कर दिया, ठीक है, अब उन 10 को आपने मैसेज कर दिया, उसमें से जितना जल्दी जो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, वो आपसे ज्यादा डिटेल्स पूछेगा कि आपको क्या चाहिए इसमें, तो उसको हो सकता है आप ऑर्डर कंफर्म कर दें। ठीक है, ये चीज भी इसी तरह से है कि आप अपनी मार्केटिंग जैसे मर्जी करें, आप रिस्पॉन्ड कितना जल्दी कर रहे हो ये चीज मैटर करती है ज्यादा। ठीक है, अच्छा, आपने ये भी नहीं करना कि आप सिर्फ हाथ से लिख के जो है वो अपने बैनर्स बना लें, आप थोड़ा सा अच्छा सा डिजाइन करवाएं उसको, बैनर्स को, क्या आप राइटिंग की सर्विस दे रही हैं, टीचिंग की सर्विस दे रही हैं, ऑनलाइन ट्यूशंस दे रही हैं इंग्लिश के ऊपर, ठीक है, या किसी के शाउट आउट्स ले लें, किसी से अपने किसी स्टूडेंट से ले लें कि जी मैंने इनसे पढ़ा और मेरे इतने अच्छे नंबर आ गए, ठीक है, तो आप जरूर करें। तो ठीक है, ये चीज भी आप कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स को कह सकती हैं आपके ये काम मेरे लिए कर कर लें ताकि एक एड बन जाए छोटा सा, ठीक है, वीडियो शॉर्ट आउट बन जाए। काफी अच्छे आइडियाज दिया आपने, तो माशाल्लाह मुझे यही बैठ के काफी अच्छा गाइड कर दिया और इसको मैं जरूर अप्लाई करूंगी। एट द एंड थैंक यू सो मच इतनी अच्छी बातें शेयर करने के लिए, हमें इतना अच्छी तरीके से समझाने के लिए। आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हम सबको? लास्ट में ये मैसेज होगा कि तमाम ऑडियंस है जो आज तक भी सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे इस टाइम से लॉकडाउन के, तो कुछ सीख लें। यूट्यूब पे इतना मटेरियल पड़ा है सीखने के लिए, हशाम सरवर की का मैंने नाम लिया, उसकी वीडियोस देखें आप यूट्यूब के ऊपर, रेहान अलावाला की वीडियोस देखें आप, उसके अलावा डिजी स्किल्स की रजिस्ट्रेशन चल रही है आजकल, बैच ओपन हुआ है, बैच 7 गालिबन ओपन हुआ है, वहां पे जाएं आप, वहां पर रजिस्टर करें। उसके अलावा एक मैं और देख रहा था अभी, फैसलाबाद के हमारे ट्रेनर हैं, उन्होंने भी अपना एक फ्रीलांसिंग का कोर्स फ्री लॉन्च किया है, और वो भी काफी क्रेडिबल बंदा है फ्रीलांसिंग में, ठीक है, तो वो भी WP एकेडमी के नाम से कुछ नाम है उसका, और वो वहां पे भी आप जाके सीख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सीखें, मतलब जरूरी नहीं कि आपने फ्रीलांसिंग की सीखनी है, आप जिस फील्ड में ऑलरेडी हैं उससे रिलेटेड कोई वीडियोस देख लें, कोई गोरों की रिसर्च देख लें उसके ऊपर, जिससे आपको कुछ मिले। गूगल के फ्री कोर्सेज बेशुमार पड़े हुए हैं इस वक्त, गूगल गैरेज के नाम से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आपको जरूर बुलाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, Right, you're welcome. Thank you, टेक Mitchell. केयर, Hafiz. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।